वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरितराज क्रिएटिव इंडिया। दिस इज सचिदान विश्वकर्मा। सो आज का टॉपिक हम लोग का है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी एक प्रकार से पहेली बन चुकी है। आइए चालू करते हैं। पहेली का मतलब क्या तात्पर्य, राजधानी में पहेली, ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। चालू करते हैं। चालू करने से पहले देखिए, आपका ये जो कि आज ये न्यूज में है, जो कि आंध्र प्रदेश कैपिटल कोडमनू, मतलब कि आंध्र प्रदेश की राजधानी पहेली बन चुकी है, क्या कारण है जानते हैं। देखिए हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे कि 2014 में जब TDP की सरकार आई थी तो उन्होंने डिसाइड किया था कि अमरावती राजधानी बनेगी, लेकिन ऐसा क्या हुआ, ऐसा मतलब आंध्र प्रदेश में CRDA एक्ट जो है ये किस लिए लागू हो गया, और करंट जो चीफ मिनिस्टर है ना रेड्डी जी की, वह किस प्रकार से जो कैपिटल की चेंजिंग करना चाहते हैं, क्या कारण था। आइए चालू करते हैं। देखिए पहले जान लेते हैं कि इसका टोपोग्राफी, जैसा कि इसके टोपोग्राफी में ये साउथर्न कंट्री में आता है, और अगर बात किया जाए इसके नेबरिंग कंट्री में, इसमें चार नेबरिंग कंट्री हैं जो कि उड़ीसा है, आपका तेलंगाना है, कर्नाटक है और तमिलनाडु है, जो कि आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लिखा भी पढ़ सकते हैं। आगे चालू करते हैं कि आंध्र प्रदेश बहुत सारे महापुरुषों का जन्म स्थल भी है, उसमें से कुछ जैसे जानते हैं ऋषि विश्वामित्र जो कि यहीं के थे, निवासी थे, और आंध्र प्रदेश को ऋषि विश्वामित्र के वंशज कहे जाते हैं, जिनका वर्णन रामायण महाभारत और पुराणों में भी उच्चारित है। ठीक, यह आंध्र प्रदेश गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में लाइस होता है, और यहाँ पर अगर बात किया जाए प्रोडक्शन मतलब कि उत्पादन के हिसाब से, तो यहाँ पर चावल, अगर बात किया जाए इंडस्ट्रियलाइजेशन में, तो यहाँ पर टोबैको का बहुत भारी मात्रा में उत्पादन होता है। चालू करते हैं। देखिए आज हम लोग के न्यूज़ में है कि आंध्र प्रदेश जो कि है, एक जब बंटवारा हुआ, मतलब 2014 से पहले जब बंटवारा हुआ, तो वहाँ पर एक मतलब असमंजस का कार्य हो गया। बंटवारा होने के बाद असमंजस का हो गया, वहाँ क्या हुआ कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश जब दोनों अलग अलग राज्य बने, तो वहाँ पर इशू बन गया कि आखिर राजधानी को, मतलब क्योंकि उस दोनों की राजधानी उस समय, मतलब आंध्र प्रदेश राजधानी विशाखापट्टनम था, विशाखापट्टनम आ गया आपका आंध्र प्रदेश में, लेकिन जो तेलंगाना था उसकी राजधानी क्या बनेगी, क्या वो तो अपना डिसीजन कर लिया, क्योंकि एक हैदराबाद इकोनॉमिक फाइनेंशियल स्टेट, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट था या फाइनेंशियल प्लेस था, तो वो अपना फटाक से राजधानी तेलंगाना अपना राजधानी हैदराबाद बना लिया। लेकिन उस समय जब बटने के बाद 2014 में TDP की सरकार, AP नारायण चंद्रमुख की सरकार रही यहाँ पे 2014 में आंध्र प्रदेश में, तो उन्होंने तय किया कि हम विशाखापट्टनम को तो राजधानी अभी नहीं बनाएंगे, उसके मतलब कि इसके आंध्र प्रदेश राजधानी विशाखापट्टनम के अलावा उन्होंने सोचा कि कोई एक नया 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 बनाया जाए राजधानी, जो कि एक ग्रीनरी हो उनके हिसाब से, कि ग्रीनरी हो, नया हो, नए टेक्नोलॉजी से, नए पूरे पूरा उसका जो लैंड लेवल हो पूरा एक नया तरीके से हो, जो उसका कंस्ट्रक्शन हो, तो उन्होंने पूरे डिसीजन के हिसाब से उन्होंने 33,000 एकड़ ज़मीन को ऑक्यूपाई भी कर लिया वो उस मतलब कि आंध्र प्रदेश से। तो उसके बाद देखिए जब उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, तो फिर व्हाई डज द मिस्टर नायडू चूज द अमरावती, आखिर क्या कारण हुआ कि उन्होंने अमरावती को फिर चूज कर लिया, मतलब इसका कारण क्या है कि जब देखिए एक कमेटी बनाई गई, श्री राम कृष्णम कमेटी बनाई गई, उस कमेटी के द्वारा से उन्होंने यह सजेस्ट किया, यह बताया कि ये मतलब उन्होंने यह चाहा इस कमेटी के द्वारा पूरे डिसेंट्रलाइज मतलब विकेंद्रीकरण कर दिया पूरे राज्य को, मतलब राज्य मतलब कि पॉपुलेशन को, कि यहाँ पर राजधानी इसकी होगी। उसके बाद जब नायडू ने यह ओपिनियन अपने विचार को प्रकट किया हाई कोर्ट के सामने, तो विशाखापट्टनम ऑलरेडी एक डेवलप्ड सिटी, हम लोग जानते हैं विशाखापट्टनम बहुत पहले ऑलरेडी एक डेवलप्ड सिटी, ये विकसित शहर है, लेकिन बंटवारा से पहले वह फाइनेंशियल स्टेट भी कहा जाता था पूरे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का, तो बंटवारे के बाद यही दिक्कत आने लगी कि कौन कौन सा होगा, तो उन्होंने ही वांटेड अ ग्रीन फील्ड कैपिटल, उन्होंने वो चाहते थे कि एक हरा भरा राजधानी हो, जो कि न्यू रीजन फॉर डेवलपमेंट, जहाँ पे एक नई दिशा मिल सके विकास करने की। लेकिन क्या परिवर्तन हो गया जानते हैं, व्हाट चेंज्ड, क्या परिवर्तन हो गया वहाँ पे इन 2019 जब YCR कांग्रेस डिफीटेड TDP टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एंड इमीडिएटली अपॉइंटेड अ जीएन राव कमेटी। जब YCR कमेटी डिफीटेड, जब YCR पार्टी ने TDP मतलब ये जो तेलुगु ड्रेसपू पार्टी को जब उन्होंने हराया 2019 में,
उन्होंने हराते हुए हराने के बाद फटाक से एक कमेटी बनाई जो कि जीएन राव कमेटी है। उस कमेटी द्वारा उन्होंने यह रिपोर्ट किया कि जो डिसेंट्रलाइजेशन कैपिटल आइडिया है, जो यह विचार है डिसेंट्रलाइज विकेंद्रीकरण का आइडिया है, उस पर उन्होंने अपना रोक लगा दिया, रिपोर्ट कर दिया, रिपोर्ट लगा दिया। बेस्ड ऑन द रिपोर्ट करेंट चीफ मिनिस्टर वाई आर जगत मोहन रेड्डी, वही ये वाई एस आर जो रेड्डी जी थे, इन्होंने ये आइडिया बताया था कि मेकिंग विशाखापट्टनम एज द एग्जीक्यूटिव कैपिटल, उसको एग्जीक्यूटिव कैपिटल एंड कुरनूल को जुडिशरी कैपिटल एंड अमरावती द लेजिस्लेटिव कैपिटल। ये तीन चीज़ को उन्होंने अलग अलग तरीके से बताया कि एग्जीक्यूटिव मतलब कि कार्यपालिका राजधानी बनाएंगे विशाखापट्टनम को, कुरनूल को न्यायपालिका राजधानी बनाएंगे और अमरावती को लेजिस्लेटिव मतलब विधायिका राजधानी बनाएंगे। लेकिन इन जनवरी 2020 उन्होंने असेंबली अप्रूव्ड द रिपील ऑफ द ए पी सी आर डी पी एल एक्ट एंड पास द ए पी डिसेंट्रलाइजेशन। और फिर जनवरी 2020 में असेंबली में उन्होंने यह अप्रूव कर दिया कि रिपीट फॉर द ए पी सी आर डी एक्ट, मतलब जो ए पी सी आर डी एक्ट है इसको अप्रूव कर दिया एंड आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइज एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ आल रीजन बिल, मतलब ये सभी जरिए हो गया। 2020 में क्या हुआ कि 63 फार्मर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में अप्रोच कर दिए उसके अगेंस्ट में, जो ये आपका बना था ए पी सी आर डी एक्ट, इसके अप्रोच में उन्होंने एक अप्रूवल डाल दिया हाई कोर्ट में, आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में। तो उन्होंने क्या डाला, ये उसके जरिए से उन्होंने यह बताया कि हाई कोर्ट डालने के बाद उन्होंने यह कहा कि जो हम लोग की लैंड ऑक्युपाई, जो लैंड जमीन ऑक्युपाई हुई है नए राजधानी बनाने को, हम लोग को दे दिया जाए। हम लोग जो विशाखापट्टनम में ऑलरेडी वो अच्छी राजधानी है, अमरावती अच्छी राजधानी है। तो 2022 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने उन्होंने वर्डिट लागू किया, वर्डिट में मतलब उन्होंने न्याय प्रगत की कि जो सीआरडी एक्ट है आंध्र प्रदेश, जो सीआरडी एक्ट सीआरडी समझ रहे हैं ना, सीआरडी मतलब कि कैपिटल रीजन ऑफ डेवलपमेंट ऑक्युपाइड, एक का मतलब नहीं आ रहा, सीआरडीए एक्ट वेयर अमरावती वुड बी द स्टेट कैपिटल, जहाँ पे अमरावती आपका राजधानी बनेगी। फॉलोइंग द वर्डिट, इस सभी को वर्डिट को न्यायालय ने जो न्याय दिया था उसको फॉलो करते हुए इन सितंबर 2020 आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट फाइल्ड अपील टू सुप्रीम कोर्ट, मतलब इसी के वर्डिट के ऊपर आंध्र प्रदेश ने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को मतलब कि अपील कर दी, मतलब उन्होंने कोर्ट पे कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में कर दिया है कि जो हम लोग का ये राजधानी बनाना चाहते हैं ये हम लोग के विरुद्ध है, मतलब राइट उसमें हम लोग का राइट से विरुद्ध है। तो हाई कोर्ट एंड अर्जुइंग दैट स्टेट प्रोक्यूरेटर फादर डिसाइड ऑफ कैपिटल सिटी, तो हाई कोर्ट ने उन्होंने अर्ज किया था, हाई कोर्ट ने बताया था कि आपने राजधानी जल्द से जल्द बनाइए। ऑन नवंबर 28, 2022 सुप्रीम कोर्ट स्टेट द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ऑर्डर्ड द डेवलपिंग अमरावती एज द ओनली कैपिटल ऑफ द स्टेट। 28 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को बोल दिया कि जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ऑर्डर डेवलपिंग अमरावती एज ओनली कैपिटल, मतलब उन्होंने भी इसी बात पर टिप्पणी कर दिया कि जो आंध्र प्रदेश जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि आंध्र अमरावती राजधानी बनेगी तो वही बनेगी। सेइंग कोर्ट कैन नॉट बी एक्ट ऐसे टाउन प्लानर, और सुप्रीम कोर्ट के जो हेड मतलब जो भी उनके जुडिशरी सिस्टम थे उन्होंने कहा कि ये कोई एक टाउन एक गांव का प्लानर प्लान नहीं हो रहा है, ये एक राजधानी है। तो अमरावती ठीक है बट इट हैज़ रिजर्व द फाइनल जजमेंट, और यह फाइनल जजमेंट में आ जाएगा एंड हियरिंग प्रोसीडिंग, और यह जो प्रोसीजर है ये अभी भी चल रहा है। लेकिन व्हाट हैपनिंग नाउ, आज के समय में क्या हो रहा है कि 31 जनवरी 2022 को यह चीज़ खबर आई है कि मिस्टर रेड्डी इज एन इन्वेस्टर समिट इन न्यू दिल्ली। मिस्टर रेड्डी ने न्यू दिल्ली के कहीं सम्मेलन में गया था तो विशाखापट्टनम विल शॉर्टली बिकम द कैपिटल, उन्होंने वहाँ पर जिक्र किया था कि विशाखापट्टनम को भी हम लोग जल्द से ही राजधानी बनाएंगे एंड शिफ्टिंग द पोर्ट, और जो हम लोग का वहाँ पोर्ट सिटी है उसको भी शिफ्ट करेंगे, तो विशाखापट्टनम की जगह कहीं और पोर्ट बनाएंगे। अपोजिशन पार्टी पॉइंटेड आउट दैट इट वॉज द कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अपोजिशन पार्टी ने उनके विरुद्ध अपोजिशन कॉन्टेम्प्ट मतलब समझ रहे हैं अपने मतलब वो बोले कि यह तो जो कोर्ट का एक प्रकार से निंदा हो रही है, जो कोर्ट ने एक बार न्याय दे दिया उसके विरुद्ध में निंदा हो रही है एंड इट वाज स्टिल पेंडिंग द अपेक्स कोर्ट। यह भी आज के समय में भी यह भी अभी कोर्ट में पेंडिंग केस में पड़ा हुआ है। और सीनियर एडवोकेट ऑफ एपी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जी लक्ष्मी नारायणा ने आंध्र प्रदेश के सीनियर हाई कोर्ट जज हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सीजीआई हैं इस टाइम, सीजीआई हैं
सीजीआई जो भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको उन्होंने एक लेटर लिखा। लेटर लिखते हुए कहा कि जो सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश हैं उन्होंने ग्रॉसली वायलेंसन सेक्शन 2C का विरुद्ध किया, मतलब उसकी कार्य विरुद्ध किया। हम लोग ने एक बार इसके बारे में मतलब बता दिया था कि अमरावती राजधानी रहेगी, चेंज मत करिए, लेकिन उन्होंने उसके विरुद्ध में एक टिप्पणी एक सम्मेलन में किया कि हम लोग जल्द ही राजधानी बनाएंगे विशाखापट्टनम को। तो किसी प्रकार से अभी भी उसकी मामला फंसा हुआ है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग वीडियो।